ये मैं एक्चुअली ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और फरिश्ते में मैं कुछ अलग दिखूंगा। और मैं एज ए समझिए कि हीरो नहीं, एज ए करेक्टर मैंने प्ले किया है इसमें। पहली बार पागल का रोल किया हूँ मैं, और आप मुझे लगता है कि करके बड़ा मज़ा आया। और लाल बाबू जी जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, हमारे बाबा अरविंद तिवारी जी इसके राइटर हैं, और प्रोड्यूसर हमारे रेड्डी साहब हैं जो कि साउथ से आते हैं, और मेघा श्री भी साउथ से आती हैं। मैंने इसमें जितने भी करेक्टर हैं, श्रद्धा जी से लेकर, अमित शुक्ला जी से लेकर, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर कृष्णा बेदर्दी जी, मैंने सबने अपना 110% इसमें काम किया है। और एक अलग मूवी बनी है ये। मुझे लगता है कि जब आप थिएटर जाएंगे तो कोई भी आदमी जाएगा तो वो निराश होकर नहीं आएगा, क्योंकि इसका एक अलग लेवल है और इसमें आपको एक अलग एक्ट देखने को मिलेगा कि रेगुलर सिनेमा नहीं है ये। एक इमोशन है एक पिता और पुत्र की, क्योंकि कैसे मैंने प्यार को पाने के लिए इंसान क्या से क्या करता है, अपनों को पाने के लिए क्या से क्या करता है। और ये पूरी शूटिंग हम लोगों ने लखनऊ में की थी, तो जितने भी इस टीम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कैमरामैन हमारे प्रिंस जी हों या विजय दास जी जो कि हमारे मुझे प्रोडक्शन कंट्रोलर थे, और जितने लोगों ने इसमें काम किया, इनकेस की जिस लोकेशन पे हम लोगों ने काम किया था, हमारे मामा जी, हम एक रिश्ता हो गया मनोज यादव जी, जिन्होंने बहुत कॉपरेशन हम पूरे टीम को मिला, जो लग ही नहीं रहता कि हम लोग किसी शूटिंग प्लेस पे हैं, और सब पूरा फैमिली हम लोगों से इन्वॉल्वमेंट, एक घर परिवार वाला माहौल क्रिएट करके, और बड़ा मज़ा आया। और हमारा ऐसा नहीं विश्वास है कि, और मैं सबसे अपील यही करना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई बेहतर चीज़ें करें तो आप लोग प्लीज़ उसको प्यार और आशीर्वाद इतना दीजिए ताकि ऐसा काम हमें करने का फिर से मौका मिले और हम फिर से दोहराएं ऐसी चीज़ों को। जैसा मैं पोस्टर में देख रहा हूँ सर, ये जीवित हो जा रहा है एकदम, भिखारी का रोल ऐसा लग रहा है कि सचमुच का कोई भिखारी है। ये किरदार करने के लिए क्या आपने किसी भिखारी का गाइडलाइंस लिया था, या कोई भिखारी जैसा होते हैं भीख मांगते हैं आपने? ये भिखारी नहीं है, ये पागल है। ये पागल जैसा दिखा भाई, हाँ। क्या खास तैयारी किया था इस सीन के लिए आपने, इस रोल के लिए? देखिए, हमारे लिए हर दिन एक चैलेंज ही होता है। मैं किसी चीज़ के लिए अगर तैयार नहीं करूं तो शायद मैं चीज़ें नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए, एक मूवी जो होती है एक परिवार होता है, और एक परिवार को संभालने के लिए और परिवार को लीड करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अब एक नॉर्मल आदमी पागल का एक्ट करना इतना टॉप था मेरे लिए कि शायद मैं, और मैं किसी भी रोल को बहुत हल्के में नहीं लेता, वो मेरे लिए इजीली नहीं होता है कोई भी चीज़, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि एक पागल का रिएक्ट करना जो कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है और मुझे नहीं समझना, तो वो बहुत टॉप जॉब था मेरे लिए। कि उतने देर तक मुझे लगा कि मैं ऐसे ऐसे, मैं घर पे भी आया था तो मैं 10 दिन तक ऐसे ही से कर रहा था, इतना उसमें घुसना पड़ा मुझे कि मुझे लगता है कि मैंने 22 दिन नहाया ही नहीं था, मैंने 22 दिन स्नान ही नहीं किया। मैं बोला कि नहीं, मैं मेरे बॉडी में रहने दो सब कुछ, और मैं इसी में सो जाता था, इसी ड्रेस में भी सो जाता था, कभी कभी ऐसा लगता था तो अब बिस्तर भी गंदे हो जाते थे, उसके बावजूद भी मुझे लगता कि नहीं, मैं अगर रहूँगा तो इसी में रहूँगा। और वो 12 से 13 दिन ये मेरा करेक्टर था, और उसमें मैं इतना किसी से भी बात करता था तो यही मेरी हाथ तक पूरा मैल लगे मैल हाथ में भी, मैंने हाथ समझिए कि खाना भी खाता था तो चम्मच से खाता था कि नहीं हाथ भी नहीं धोना है मुझे, हर चीज़ मुझे रियली करना है, तो टॉप तो होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी इजीली होता है, और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आप सुन रहे हो और नहीं सुनना है आपको, तो वो कितना टॉप होता है। आपको डांस आता है और आपको विदाउट मैंने ऑफ बिट नाचना है, तो वो कितना टॉप होता है। तो कोई भी चीज़ आपको आता है और आपको गलती करना है, तो कभी कभी गलतियाँ भी इंसान को बहुत बड़ा एक्टर बना देती है, और इसमें हमको गलतियाँ ही करना था और हमने की है। अब पब्लिक को कितना पसंद आएगा, एक बार जब आप जाएंगे तो ज़रूर। अब ये लोग एडिटिंग पे बैठे, मैं जब डबिंग में गया तो मैं ही खुद कम से कम 20 से 25 जगह ऐसे थे जहाँ पे मेरी आंखें भर गई और मैं डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। तो बनी है ये सिनेमा, और मैं चाहता हूँ कि आप सब ऐसे सिनेमाओं को प्यार और स्नेह दें। सर, ये बात बहुत बड़ी बात है कि आप 10-10 दिन नहीं नहाए हैं एक किरदार को जीवित करने के लिए, शायद यही एक कारण है कि आपको जनता बहुत प्यार करती है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि आप इसमें जैसे बता रहे हैं कि मेघा श्री भी हैं, मेघा श्री के साथ आपकी एक फिल्म भी आई जो कि सुपरहिट हुई है,
तो किस प्रकार का बॉन्डिंग शेयर करते हैं सर? देखिए, मेघा एक बहुत सुलझी हुई आर्टिस्ट है और वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहती हैं। जब भी वो सेट पे, उनको अगर 7 बजे, वो खेसारी 2 है कि अगर उसको 7 बजे आना है तो उस लड़की को आपको बोलना नहीं है, वो 7 बजे विथ मेकअप रेडी होके और अपने, क्योंकि हमारे भाषा से नहीं है तो थोड़ा लैंग्वेज उनको प्रॉब्लम होता है, तो वो सीन मांग लेती हैं और वो कब याद कर लेती है पता ही नहीं। हाँ, फिर अगर सीन से हट के कुछ डायलेक्ट चेंज करेंगे तो उसको प्रॉब्लम होता है। और हम लोग को काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि सीन से हट के और अचानक से कुछ डायलेक्ट दिमाग में आता है तो उनको फिर आदमी प्राउंटिंग देता है कि नहीं आप ऐसे, इसको थोड़ा सा चेंज है, तो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है। लेकिन बहुत सेंसेवियर एक्टर है वो, और वो बड़ी मेहनती हैं और गुड नेचर, उनकी मम्मी हमेशा शूट पे रहती हैं और दोनों माँ बेटी जब शूटिंग पे जाती हैं तभी नज़र आती हैं, उसके बाद वो दोनों नज़र नहीं आती किसी को, और अपने काम के अलावा उस लड़की को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है कि एक अलग अदर लैंग्वेज से होकर और हमारे भोजपुरी को इतना बेहतर समझती हैं और बेहतर काम करती हैं। सर, मैं अगर पोस्टर देखता हूं तो जैसे कि आपने कहा ये जो है पागलपन का रोल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें और भी सेट होंगे आपके, सिर्फ एक सेट नहीं होगा, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें इसमें 3 सेट है मेरे, इसमें आपको 3 खेसारी नज़र आएगा और तीनों में डिफरेंट हर चीज़ मैंने कोशिश की है, क्योंकि मेहनत तो बहुत होता है, क्योंकि एक रोल को प्ले करने के लिए खेसारी अलग है, लेकिन खेसारी को खेसारी बन के वहाँ प्ले नहीं करना है, कितने में मैं खेसारी बनूँगा, तो कभी मुझे खेसारी बन के काम करना होता है, कभी मुझे लाल बाबू पंडित बनना पड़ता है, कभी आप जैसे इंसान का एक्ट मुझे करना होता है, तो किसी दूसरे इंसान को अपने नेचर में ढालना, अपने बॉडी लैंग्वेज में ढालना, ये टॉप जॉब तो है, बट कोशिश करता है आदमी कि भाई हमारा जब काम ही वही है तो इसके अलावा तो मुझे कुछ आता ही नहीं, तो कम से कम अगर वो भी हम ईमानदारी से ना करें तो फिर क्या मतलब। लाल बाबू पंडित से जानना चाहेंगे, सर ये बताइए, खेसारी लाल के बहुत बड़े फैंस हैं और आपकी एक गलती आपको फैंस बहुत सारी गालियां भी दे सकती है, खेसारी लाल जी के अलग अलग डिफरेंट रोल दिखा रहे हैं, आपको लग रहा है कि लोग उसे पसंद करेंगे, कितनी कुछ आपने मेहनत की उसमें? देखिए, हमारी टीम ने, हमने एक सिनेमा जब बनती है तो पूरी टीम की दायित्व होती है, जैसे राइटर से लेकर सब, पूरा टीम ने बहुत अच्छा काम किया, जो जितने भी किरदार, 2-3 किरदार है खेसारी जी ने निभाया है, बखूबी निभाया है, तो ऑडियंस को अच्छी लगेगी, राइटर ने अपना जॉब अच्छा किया है, एक्टर जितने थे हमारे सारे एक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया, म्यूज़िक इसके जो कृष्णा बेदर्जी जी ने दिया है बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है, तो मुझे नहीं लगता ऑडियंस एक बार देखेगी फिल्म तो ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी, अब तो पूरा ऑडियंस के ऊपर ही सब कुछ है। अरविंद बाबा के, अरविंद बाबा एक अद्भुत राइटर हैं और ये हमारी मिट्टी से हैं और इन्होंने जब भी कुछ लिखा है तो कुछ अद्भुत लिखा है, और इनके साथ काम करके भी मुझे बहुत मज़ा आता है, और क्योंकि ये मुझे समझते हैं और मेरे गांव के बगल के हैं और मेरे ननिहाल से हैं ये, तो प्यारा लगता है इनका कोई भी शब्द और एकदम मिट्टी की चीज़ लिखते हैं तो बहुत खूबसूरत होता है। ये बोलना चाहूँगा कि फरिश्ते फिल्म के लिए दर्शकों को क्या कुछ बोलना? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर अपने माँ बाप से प्यार करना है तो एक बार फरिश्ता ज़रूर देख लेना, आपको लगेगा जी एक मोहब्बत को पाने के लिए इंसान किस हद तक गुजर सकता है। थैंक यू।